सो गाइस, आपने शार्क टैंक इंडिया के एपिसोड के अंदर हैमर वाले प्रोडक्ट के बारे में सुना होगा, जहां पर अमन गुप्ता ने 40% स्टेक लिया था इनकी कंपनी के अंदर, बट बाद में बोल रहे हैं उन्होंने इस डील को कैंसिल कर दिया है। गाइस, अब काफ़ी सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि हैमर कंपनी के प्रोडक्ट कैसे हैं, तो इसी बीच मैंने यहाँ पर एक हैमर का चार्जर ऑर्डर कर लिया है। अभी मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ क्या सच में हैमर कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं क्या वो अच्छे हैं। इसके आपको काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं और उनमें से मैंने एक प्रोडक्ट को यहाँ पर ऑर्डर कर लिया है। हम यहाँ पर इसका रिव्यू करने वाले हैं और यहाँ पर हम जानने वाले हैं क्या यहाँ पर ये बोट को कम्पीट कर पाएगा, क्या इससे आगे निकल पाएगा, क्या इसका ये फ्यूचर है और कैसे इसके प्रोडक्ट्स होते हैं। तो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, ये है हैमर का 15 वोल्ट का चार्जर जो कि आपको 300 रुपये का देखने को मिल जाता है और इसका प्राइस कई बार आपको 250 रुपये का भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा काफ़ी सारे और प्रोडक्ट भी देखने को मिलते हैं, अगर आप चाहोगे तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, बट यहाँ पर अभी हैमर का एक प्रोडक्ट देखते हैं और देखते हैं क्या ये फ्यूचर के अंदर ग्रो कर पाए। बट यहाँ पर जो हैमर है ये इंडिया की कंपनी है और यहाँ पर हैमर वालों का बोलना है कि ये 100% मेड इन इंडिया है, तो यहाँ पर ये एक अच्छी चीज़ हो जाती है। तो अब देखते हैं यहाँ पर कौन सा आपके लिए यहाँ पर ठीक रहने वाला है। इसकी खास बात ये है कि यहाँ पर आपको ड्यूल पोर्ट के साथ देखने को मिलता है, तो यहाँ पर आप एक साथ दो चार्ज लगा सकते हैं। बट गाइस, मैंने यहाँ पर जो उसको अमेजोन से परचेज किया था तो इसका मुझे एक भी रिव्यू देखने को नहीं मिला है, तो यहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि मैं इसको बिना रिव्यू के ही यूज करने वाला हूँ, तो देखते हैं कैसा रहता है। तो यहाँ पर मैं इसको एक पोर्ट के अंदर लगा देता हूँ, दूसरों को मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। सो गाइस, जैसा कि यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर हमने हमारा अडैप्टर लगा दिया है और दूसरी साइड यहाँ पर जो उसका पोर्ट है यहाँ पर से लाइट भी ऑन हो चुकी है। अभी हम यहाँ पर इसको अपने मोबाइल को चार्ज कर देखने वाले हैं, तो यहाँ पर मैं इसको अपने चार्जर के अंदर लगा देता हूँ। तो गाइस, यहाँ पर ये इसका चार्ज स्टार्ट हो चुका है, तो यहाँ पर ये काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। तो अडेप्टर के अंदर तो यहाँ पर शायद अभी मुझे कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलने वाली है, ये एक नॉर्मल अडेप्टर होने वाला जैसे कि बाकी होते हैं। इसका रेट भी अभी आपको 250 रुपये देखने को मिलेगा, बट काफ़ी सारे ऐसे अडेप्टर हैं जो कि आपको 400 रुपये के अंदर देखने को मिलते हैं और काफ़ी सारे ऐसे भी हैं जो आपको 150 से 200 रुपये के अंदर भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर इसका प्राइस 25 या 50 रुपए और कम हो जाए तो ये काफी अच्छे से यहाँ पर इसको कंपटीशन दे पाएगा। गाइस, इस अडेप्टर के ऊपर लिखा पड़ा है सुपर फास्ट चार्जिंग, बट गाइस ऐसा नहीं होने वाला है, ये आपको 15 वोल्ट का ही देखने को मिलने वाला है और आपको एक नॉर्मल चार्जिंग देखने को मिलेगी। और गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो ये यहाँ पर काम भी कर रहा है, अब यहाँ पर 53% बैटरी हो चुकी है, तो यहाँ पर काफी अच्छे से काम कर रहा है, आप इसको चाहे तो परचेज कर सकते हो। सो ये थे हैमर के प्रोडक्ट्स और गाइस मुझे ये प्रोडक्ट्स काफी अच्छे लगे हैं, इनके काफी सारे और भी प्रोडक्ट्स हैं, बट यहाँ पर एक चीज की कमी आपको देखने को मिलेगी, वो है प्राइस। इनका प्राइस अगर थोड़ा सा और कम हो जाए तो आपको काफी अच्छे देखने को मिलेंगे। फिलहाल मैंने यहाँ पर इसका चार्जर का यूज किया है, ये मुझे यहाँ पर काफी अच्छा देखने को मिला है। बाकी गाइस, इनके कुछ अभी खास आपको रिव्यू देखने को मिलेंगे नहीं, काफी सारे लोग इनको भी परचेस करते नहीं है, तो गाइस मार्केट के अंदर काफी ज्यादा कॉम्पिटिशन आपको देखने को मिलता है। इससे सस्ते आपको और भी अच्छे देखने को मिल जाएंगे और इनके जो हेडफोन आते हैं, ईयरफोन आते हैं, उनसे सस्ते भी आपको मार्केट के अंदर काफी सारे देखने को मिल जाते हैं। अगर इनका प्राइस कम हो तो यहाँ पर आपको और अच्छे से देखने को मिलेंगे, बट फिलहाल इनको अभी काफी काम करने की जरूरत है। इनको गाइस जो अपनी क्वालिटी है उसको अपग्रेड करना पड़ेगा, तभी ये आगे जाकर ग्रो कर पाएंगे। तो ऐसे हम यहाँ पर हैमर के इस प्रोडक्ट की बात करें तो आप चाहे इसको परचेज करें ना करें, बट मुझे लगता है इसका प्राइस आपको थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलता है और यहाँ पर इसको थोड़ा बहुत और अपग्रेड करने की जरूरत है। इसके अलावा मार्केट के अंदर आपको काफ़ी सारे और ऑप्शन देखने को मिलेंगे, उनके आपको रिव्यू भी देखने को मिलते हैं, बट इनके आपको रिव्यू देखने को नहीं मिलते हैं। बट फिलहाल अगर मैं मेरे रिव्यू की बात करूँ तो गाइस मुझे ये ठीक ठाक लगा है, ये काफ़ी अच्छे से काम किया है। तो गाइस आने वाले टाइम के अंदर हैमर काफ़ी अच्छे से ग्रो कर पाएगा अगर वो अपने प्रोडक्ट्स को और अच्छे से अपग्रेड करे। तो गाइस ये थे हैमर के प्रोडक्ट्स जो कि आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाते हैं, बट थोड़ा बहुत प्राइस और उनकी क्वालिटी को अपग्रेड करने की जरूरत आपको देखने को मिलेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।